रणवीर शोरे ने दिया पूजा भट्ट पर बयान, बोले मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेलियर, मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। रणवीर शोरे जो बिग बॉस OTT सीजन 3 के रनर अप रहे, अक्सर हर बात को लेकर वो चर्चा में थे। कभी उन्होंने सना मकबूल पर कोई टिप्पणी की तो कभी कहीं किसी ने उनकी तारीफ, हर जगह सुर्खियां बटोरते रहे। पर हाल ही में रणवीर शोरे वापस फिर सुर्खियों में आए हैं। जी हाँ, और इस बार सुर्खियों की वजह सना मकबूल या बिग बॉस नहीं, उनकी पास्ट लाइफ है, उनकी निजी जिंदगी। कहा जाता है कि रणवीर शोरे ने सन 2000 में किया था पूजा भट्ट को डेट। हालांकि ये रिश्ता काफ़ी छोटा था और उनका रिश्ता काफ़ी जल्द ख़त्म हो गया। इस रिश्ते को लेके खबर काफ़ी सामने आती रही। कहा जाता है कि रणवीर शोरे को बताया गया था अब्यूसिव। इस बात पे उन्होंने अब हाल ही में एक इंटरव्यू में बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि मैं महेश भट्ट की बहुत इज्जत करता था और इस बात का महेश भट्ट ने फ़ायदा उठाया। उन्होंने ये कहा कि मुझे शराबी और अब्यूसिव बताया गया, जो कि बहुत ही गलत था। इस बारे में बात करते हुए महेश भट्ट ने मेरे पिताजी से कहा था कि बच्चों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे हम ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे और बात को जल्द ही ख़त्म कर देंगे। पर इस बात को काफ़ी उछाला गया और अगले ही दिन से मीडिया में मेरे बारे में गलत सलत खबरें छापी गई। उन्होंने ये भी कहा कि इनका एक भाई था जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। इस बारे में महेश भट्ट चाहे तो कुछ कर सकते थे, चीज़ें रोक सकते थे, पर चीज़ें रोकी नहीं गई। और इस बात को ख़त्म करते हुए रणवीर बोले कि ये एक 25 साल पुरानी बात है जिस पर अब मैं बात नहीं करना चाहूँगा। तो आपको क्या लगता है, इन कहानियों के पीछे का सच क्या है? आपने रणवीर शोरे को देखा है, आपको क्या लगता है, वो सचमुच ऐसे हैं या ये बातें महज एक अफवाह हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।